दुनिया की कोई भी मुश्किल मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार, मैं साहुल प्रजापति ओसन ऑफ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे चतुर्थांश विचलन क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। इसकी विशेषताएं देखेंगे, इसके दोष देखेंगे, इसका प्रयोग कब किया जाता है, अव्यवस्थित अंक सामग्री से कैसे ज्ञात किया जाता है चतुर्थांश विचलन, और व्यवस्थित अंक सामग्री से चतुर्थांश विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे चतुर्थांश विचलन कहते किसे। चतुर्थांश विचलन प्रथम और तृतीय चतुर्थांशों के अंतर का आधा होता है। चतुर्थांश विचलन प्रथम और तृतीय चतुर्थांश के विचलन का आधा होता है। मतलब ये प्रथम चतुर्थांश इसे कहा जाता है, प्रथम चतुर्थांश और ये तृतीय चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश के अंतर का आधा होता है, मतलब Q3 माइनस Q1 ये अंतर हो गया और इसका आधा होता है, जो वो होता है QD से इसे डिनोट करते हैं, QD या कहीं कहीं QD या Q से इसे इसका संकेत है चतुर्थांश विचलन का। यानी इसको 25वां प्रतिशतांक भी कहा जाता है, 25वां प्रतिशतांक, और इसको 75वां प्रतिशतांक। तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि 25वां प्रतिशतांक और 25वें प्रतिशतांक और 75वें प्रतिशतांक के अंतर का आधा जो होता है वही क्या होता है, चतुर्थांश विचलन होता है। और इसकी विशेषता क्या है, विशेषता इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो वितरण दिया रहता है, जो वितरण दिया रहता है उसके आरंभ और अंत के प्राप्तांकों का, जैसे कोई वितरण ऐसे दिया है इसके आरंभ में और अंत में जो वितरण होते हैं उसका चतुर्थांश विचलन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वितरण के प्रारंभ और अंत में दिए गए प्राप्तांकों का चतुर्थांश विचलन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि चतुर्थांश विचलन जो होता है वह मध्य के प्राप्तांकों पर प्रकाश डालता है। किस पर? सिर्फ मध्य के प्राप्तांकों पर प्रकाश डालता है, आरंभ और अंत के प्राप्तांकों पर का चतुर्थांश विचलन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और यही एक इसका दोष भी है। यदि चतुर्थांश विचलन का दोष पूछा जाए तो इसका सबसे बड़ा दोष भी यही है कि इसमें वितरण के प्राप्त आरंभ और अंत के प्राप्तांक का प्राप्तांक को महत्व तो नहीं दिया जाता है, ये इसका दोष है। और इसका प्रयोग कब किया जाता है, चतुर्थांश विचलन का प्रयोग कब किया जाता है, जब प्राप्तांकों का वितरण सामान्य हो, जब प्रतिदर्श छोटा हो, जब वितरण अपूर्ण हो और उसके बीच बीच में गैप हो, तब तब इसका उपयोग किया जाता है चतुर्थांश विचलन का। अब हम लोग देखेंगे चतुर्थांश विचलन की गणना कैसे की जाती है। चतुर्थांश विचलन की गणना दो तरह से की जाती है, जैसे अव्यवस्थित अंक सामग्री में और व्यवस्थित अंक सामग्री में। मान लीजिए अव्यवस्थित अंक सामग्री हम पहले देखते हैं, अव्यवस्थित अंक सामग्री से QD की गणना यानी क्वार्टाइल डेविएशन की गणना। इसकी अव्यवस्थित अंक सामग्री से QD का सूत्र जो होता है, सूत्र QD बराबर कहीं कहीं Q भी देता है, केवल QD बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। अब यहां पर Q1 का मतलब क्या है, Q1 बराबर है n प्लस 1 अपॉन 2 4 वापस, और Q3 बराबर 3 इंग्रेडिएंट n प्लस 1 अपॉन 4 वापस, जहां n बराबर प्राप्तांकों की संख्या, प्राप्तांकों की संख्या। देखिए अव्यवस्थित ये यन अव्यवस्थित अंक सामग्री में भी रहता है और व्यवस्थित अंक सामग्री में भी, लेकिन यदि अव्यवस्थित अंक सामग्री में यन रहता है तो वह प्राप्तांकों की संख्या बताता है, लेकिन यदि व्यवस्थित अंक सामग्री में चला जाता है यन तो वह आवृत्तियों का योग बताता है। या अगर व्यवस्थित अंक सामग्री से
व्यवस्थित अंक सामग्री से क्यूडी की गणना अगर देखी जाए तो यहाँ पर फार्मूला तो वही होता है क्यूडी का, क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन टू, लेकिन लेकिन यहाँ क्यू वन और क्यू थ्री का मतलब ये नहीं होता है एन प्लस वन अपॉन फोर थ्री एन प्लस वन अपॉन फोर, यहाँ क्यू वन का मतलब दूसरा होता है, क्यू वन बराबर होता है एल एम प्लस एल एम प्लस एन बाई फोर माइनस सी एफ अपॉन एफ एम इंटू सी आई, ये क्यू वन का होता है, और क्यू थ्री का एल एम प्लस थ्री एन बाई फोर माइनस सी एफ अपॉन एफ एम इंटू सी आई। यहाँ पर क्यू डी का क्यू क्यू डी बराबर क्यू थ्री माइनस वन अपॉन टू, यहाँ भी वही क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन टू, यहाँ टू भी है, लेकिन यहाँ पर क्यू वन का और क्यू थ्री का मतलब दूसरा है सूत्र, और यहाँ क्यू थ्री और क्यू वन का दूसरा है। तो सबसे पहले हम लोग अव्यवस्थित अंक सामग्री से क्यू डी देख लेते हैं, फिर उसके बाद व्यवस्थित अंक सामग्री से भी देखेंगे उदाहरण के द्वारा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में दिया जैसे 17, 19, 23 24, 25, 28 30, 30, 32 इससे क्या करना है चतुर्थांश विचलन, चतुर्थांश विचलन ज्ञात करने के लिए अव्यवस्थित से फार्मूला यहां लिखी है क्यू डी बराबर क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन टू। अब क्यू वन बराबर एन प्लस वन अपॉन फोर पद, और क्यू थ्री बराबर थ्री एन प्लस वन अपॉन फोर पद, जहां एन बराबर प्राप्तांकों की संख्या, अब यहां से क्या करेंगे इसको सबसे पहले सारणी हम लोग बनाएंगे, प्राप्तांक जो दिया है और यहां पद संख्या, प्राप्तांक में क्या क्या दिया 17, 19, 23, 24, 25, 28, 30, 30, 32 32। अब पद संख्या मतलब कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पद संख्या कितनी है 9। अब यहां इस फार्मूले पर रख दीजिए Q1 बराबर एल प्लस वन अपॉन फोर, वहां पद एल बराबर कितना है 9, पदों की संख्या कितनी है 9 प्लस वन अपॉन फोर वहां पद 9 × 10/4 भाग देंगे 4 × 9 = 8 दो बचेगा, 2 × 4 = 20 यानी Q1 बराबर 2.5 वहां पद। अब यहाँ प्राप्तांक में देखेंगे कि 2.5वां पद क्या है, अब देखिए ऊपर से गिनिए 1, 2, 3 ये जो 2.5वां पद है वो इन्हीं दोनों के बीच में होगा, दूसरे और तीसरे पद के बीच में होगा, तो यहाँ अब बीच का पता कैसे चलेगा 19 से 23 तक संख्या लिख लीजिए 19, 20, 21, 22, 23। अब 2.5 यानी दो से और दो और तीन के बीच में जो संख्या पड़ेगी तो इनके बीच में देखिए कौन सी संख्या है, इनके बीच में चाहे इधर से देखिए या इधर से देखिए 21 आएगा यानी Q1 बराबर 21। 2.5वां पद आया था, 2.5वां पद इन दोनों के बीच में था 19 और 23 के, तो 19 और 23 के बीच में देखेंगे जो संख्या रहेगी यानी 2.5वां जो इसके बीच में बिल्कुल है 21।
ये क्यू वन बराबर आ गया। अब देखेंगे क्यू थ्री बराबर, यहां थ्री वन प्लस वन थ्री एन प्लस वन, एन के स्थान पर वही नौ क्योंकि पदों की संख्या कितनी है नौ, तो नौ प्लस वन अपॉन फोर वहां पद। थ्री दस बटा चार भाग देंगे 2.5, तो क्यू थ्री बराबर 7.5 वापद। अब फिर इसी प्रातांक वाली सारणी देखेंगे कि 7.5वां पद क्या है, तो ऊपर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 7.5वां यानी 7 और 8 के बीच में होगा। अब 30 और 30 के बीच में कौन सी संख्या है, 30 और 30 के बीच में 30 ही है क्योंकि यहाँ भी 30, 7वां पद भी 30, 8वां पद भी 30, तो 7.5वां पद भी 30 ही होगा। तो यहाँ क्यू थ्री बराबर क्या 30। अब देखेंगे क्यू वन का भी पता चल गया और क्यू थ्री का भी पता चल गया, अब ज्ञात क्या करना है, क्यू डी, क्यू डी का फॉर्मूला यही है, क्यू डी बराबर क्यू थ्री माइनस क्यू वन बाई टू। तो क्यू थ्री के स्थान पर कितना रखेंगे 30, 30 माइनस और क्यू वन के स्थान पर 21 बटा 2। अब देखेंगे आगे 30 में से 21 घटाएंगे 9 बटा 2, भाग देंगे 2 चौका 8, 1 बचेगा भाग जाएंगे 10 पर लेंगे 2 पंचे 10, यानी क्यू बी बराबर 4.5। यही आपका क्या है चतुर्थांश विचलन। कैसे ज्ञात किया जाता है, अव्यवस्थित अंक सामग्री दी रहेगी उसको सबसे पहले हम लोग सारणी बनाएंगे, एक एक पद संख्या लिखेंगे और एक में प्राप्तांक, फिर फार्मूला में रखेंगे क्यू डी बराबर क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपान टू, क्यू वन बराबर एन प्लस वन अपान फोरवा पद और क्यू थ्री बराबर थ्री एन प्लस वन अपान फोरवा पद। फिर उसके बाद क्यू वन और क्यू थ्री की गणना कर लेंगे, क्यू थ्री के स्थान पर जो आएगा उसको रखेंगे और क्यू वन के स्थान पर ये रखेंगे, फिर उसके बाद 2 से भाग दे देंगे। चूंकि ये चतुर्थांश विचलन की परिभाषा ही कहती है कि प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश के अंतर का आधा, यानी इसका अंतर और आधा जो आएगा वही क्या होगा चतुर्थांश विचलन होगा। तो इस प्रकार से अव्यवस्थित अंक सामग्री में चतुर्थांश विचलन ज्ञात किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्यवस्थित अंक सामग्री में चतुर्थांश विचलन की गणना कैसे की जाती है। व्यवस्थित अंक सामग्री से क्यूबी की गणना, इसका एग्जांपल इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो दी ही रहेगी। व्यवस्थित अंक सामग्री से क्यू डी, अब यहां पर क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी भी, क्योंकि व्यवस्थित अंक सामग्री रहेगी तो उसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया रहेगा। क्लास इंटरवल दिया है 41 से 45, 41 से 45, 46 से 50, 51 से 55, 56 से 60, 61 से 65, 66 से 70, 71 से 75, 76 से 80, 81 से 85 और 86 से 90, ये क्लास इंटरवल दिया है और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 2 4 6 9, 2 4 6 9, 10 8 6, 10 8 6,
पांच दो एक, दो एक। अब व्यवस्थित अंक सामग्री से QD की गणना का जो फार्मूला है वो है QD बराबर Q3 माइनस Q1 अपान 2, जहां Q1 बराबर LM प्लस N बाई 4 माइनस CF अपान FM इंटू CI, और Q3 बराबर LM प्लस 3N बाई 4 माइनस CF अपान FM इंटू CI। अब यहां से देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यन अपान 4 ज्ञात करना होगा, क्योंकि यन अपान 4 जब ज्ञात कर लेंगे तब उसके बाद ये LM FM CF तब जाकर निकलेगा। अभी यन अपान 4 ज्ञात करने के लिए हम लोगों को पहले ज्ञात करना होगा CF संचयी आवृत्ति। अब इधर से देखेंगे किधर से बढ़ता बढ़ा है क्रम, 41 से 45, 46 से 50, इधर से क्रम इधर बढ़ते हुए आया है, यानी ऊपर से फ्रीक्वेंसी जोड़ते हुए नीचे आएंगे। यदि इधर से नीचे से दिया रहता, जैसे 41 से 45, 46 से 50 नीचे से दिया रहता, तो ये संचयी आवृत्ति जो निकालते वो नीचे से निकालते हुए ऊपर जाते, लेकिन यहाँ ऊपर से नीचे है तो ऊपर से नीचे हम लोग संचयी आवृत्ति भी निकालेंगे। तो दो के स्थान पर दो ऐसे आगे की संख्या को जोड़ते जाते, दो चार छः, छः बारह, 12 नौ 21, 21 दस 31, 31 आठ 39, 39 छः 45, 45 पाँच 50, 50 दो 52, 52 एक 53। यहाँ आवृत्तियों का योग जो आएगा वो यन से दिखाते हैं, उसको यन बराबर इसको भी जोड़ लेंगे, दो चार छः, छः छः 12, 12 नौ 21, 21 दस 31, 31 आठ 39, 39 छः 45, 45 पाँच 50, 50 दो 52 एक 53। ये आवृत्तियों का योग और संचयी आवृत्ति जो लास्ट में आती है वो दोनों बराबर आती है, तभी मान लीजिए वो कैसा है, सही है। यदि ये आवृत्ति लास्ट और ये संचयी आवृत्ति लास्ट और आवृत्तियों का योग यदि अलग अलग आता है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ रहता है। तो अब यहां से देखेंगे हम लोग यन अपान, पहले Q1 देखेंगे, Q1 में, अब Q1 में देखेंगे तो यहां सबसे पहले यन अपान 4 निकालेंगे, क्योंकि यन अपान 4 बिना निकाले LM और FM और CF कुछ नहीं निकाला जा सकता। तो यन अपान 4 देखेंगे, यन अपान 4 बराबर, तो यन के स्थान पर 53 बटा 4 भाग देंगे, 4 एक 4, 4 3 12, चार चार तीन 12 बचेगा, एक चार दो 8, फिर दो चार पंचे 20, यानी यन अपान 4 बराबर 13.25। अब यहां से देखेंगे 13.5, 13.25 किस आवृत्ति, किस संचयी आवृत्ति में मिल रहा है, तो दो में छह में 12 में, 12 में भी नहीं मिलेगा, 12 से अधिक 21, यानी 21 वाला कॉलम ये जो रहेगा ये कैसा होगा, ये Q1 वाला कॉलम होगा, क्योंकि इसी में 21 में ही ये मिलेगा 13.25, 12 में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 12 से बड़ा है, तो 12 से बड़ी अगली संख्या 21 है, यानी 21 के अंतर्गत क्या होगा 13.25। अब देखेंगे यहां से LM निकालेंगे, LM बराबर क्या होता है, उस वर्गांतर की शुद्ध निम्नतम सीमा जिसमें Q1 है, तो Q1 वाला कॉलम यही है, इसके वर्गांतर की शुद्ध निम्नतम सीमा, वर्गांतर वाला कॉलम ये है, शुद्ध निम्नतम सीमा बोला, यानी 56 जो दिया है ये श्रेणी जो समावेशी श्रेणी है, इसमें शुद्ध निम्नतम सीमा, शुद्ध निम्नतम सीमा निकालने के लिए 0.5 घटा देते हैं, तो 56 में से 0.5 घटाएंगे तो आएगा 55.5, ये हुआ LM। अब देखेंगे CF, CF Q1 के ऊपर तक की आवृत्तियों का योग, Q1 वाला कॉलम ये है, इसके ऊपर की आवृत्तियों का योग, या इसके जो 21 आया मतलब संचयी आवृत्ति में जो आया है Q1 वाला कॉलम है उसके ऊपर का लेंगे, क्योंकि ये और ये तीनों जोड़ने पर वही आएगा, दो चार छः 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 12, Q1 वाले कॉलम के ऊपर की आवृत्तियों का योग। अब आगे क्या बचा, अभी FM उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें Q1 है, तो आवृत्ति वाला कॉलम ये है और Q1 इसी में है, यानी 9।
और सी आई बचा एक क्लास इंटरवल, इसका यानी वर्ग अंतर का विस्तार कितनी संख्याएं हैं इसके बीच में, इसका प्रसार कितना है, 86, 87, 88, 89, 90, 5 है। अब इन सबको क्या करेंगे, Q1 वाले फॉर्मूले में रख देंगे। Q1 बराबर LAM के स्थान पर क्या रखेंगे, 55.5 प्लस L/4 यानी 13.25 माइनस CF 12/ FM 9 इंटू CI कितना 5। अब जोड़ घटा देंगे जो आएगा वह Q1 आएगा, Q1 बराबर 55.5 प्लस 13.25 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 1.25 बटा, यहाँ 5 से ऐसे भाग दे देंगे, 5 × 9 = 5 बचेगा 4, 5 × 8 = 40 यानी 1.8। अब भाग दे दें ऐसे भाग दे देते हैं 125/18 18 × 6 = 108 बचेगा 15 × 8 = 7 यहाँ 1 × 0 = 70 लगाएंगे तो 18 × 9 = 162 8 × 0 = 0 फिर 0 18 × 6 = 72 8 यानी 6.944 आता जाएगा तो Q1 बराबर 55.5 प्लस 0.695। अब जोड़ेंगे कितना होगा, 55, 5, 9, 6, 5, 11 से एक हाथ में एक 5, 6, 5, 56.195 Q1 बराबर, Q1 बराबर 56.195 आया। अभी Q3 बराबर ज्ञात करेंगे तब जाकर फार्मूले में रखेंगे। बराबर अब यहाँ Q3 भी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ 3N/4 ज्ञात करेंगे, क्योंकि 3N/4 बिना ज्ञात किए CF, FM और LM का पता नहीं लगा जा सकता। तो 3N/4 3N के स्थान पर क्या है, 53 आवृत्तियों का योग 53/4। तो अभी 53/4 का कितना आया था, 13.25 यानी 3 × 13.25 तो यहाँ आ जाएगा 3N/4 आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 39.75 आएगा। अब यहाँ से LAM निकालेंगे, LAM मतलब उस वर्गांतर की शुद्ध न्यूनतम सीमा जिसमें Q3 है। अब यहाँ से Q3 वाला कॉलम कैसे क्या करेंगे, 39.75 आया है, अब इसमें देखेंगे संचयी आवृत्ति वाले कॉलम में कि 39.75 कहाँ मिलता है, 39.75 39 में मिलेगा नहीं क्योंकि 39 से बड़ा है, 39 से अगला कॉलम जो होगा 45, 39 में नहीं मिलेगा क्योंकि 39 से बड़ा है, तो 39 से आगे वाली संख्या मिलेगा 45 है, ये Q3 वाला कॉलम है। Q3 वाले कॉलम के वर्गांतर की शुद्ध न्यूनतम सीमा तो 71 है, लेकिन शुद्ध न्यूनतम सीमा यानी 0.5 घटा देंगे 70.5। आगे CF, यहां तक की Q3 तक की आवृत्ति संचित Q3 तक की आवृत्तियों का योग यानी Q3 वाला कॉलम ये है, यहां तक की आवृत्तियों का योग, यहां तक आवृत्तियों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 39 आएगा। फिर अभी FM बचा है, FM उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें Q3 है, Q3 इस कॉलम में है, इसकी आवृत्ति 6 और CI वर्गांतर विस्तार वही है 5। अब सबको रख देंगे Q3 वाले फार्मूले में, Q3 बराबर LAM है पहले तो LAM के स्थान पर 70.5 प्लस
अब 3n / 4 कितना है 39.75 माइनस सी एफ कितना है 39 बटा एफ एम कितना है 6 गुणे सी आई कितना है 5। अब जोड़ घटा देंगे बराबर 70.5 प्लस 70.5 प्लस 39.7 में से 5 में से 39 घटाएंगे कितना का 0.75 बटा 5 से आप भाग देंगे 5 × 5 5 × 10 1.2। अब इसको भाग देते हैं 75 / 12 करेंगे 12 × 6 = 72 3 0 12 × 24 6 × 12 = 60 कट जाएगा यानी ये कितना आएगा 0.625। जोड़ देंगे 70.5 प्लस 0.625 Q3 = 5 2 1 6 5 11 के खाते में 1 और 7 यानी 71.125। अब Q1 का भी पता चल गया और Q3। अब QD वाले फार्मूले में रखेंगे Q3 - Q1/2 तब जो आएगा वो चतुर्थांश विचलन आएगा। Q3 - Q1/2 Q3 के स्थान पर 71.125 माइनस 56.195 बटा 2। अब 71.125 में से कितना घटाएंगे कितना आएगा 71.125 माइनस 56.195 जीरो यहाँ 12 यहाँ से उधार लेंगे 12 होगा 12 में से हो जाएगा 3 या 0 एक उधार जाएगा यहाँ होगा 9 पॉइंट फिर यहाँ 0 बचा एक उधार जाएगा 10 होगा 10 में 4 और यहाँ 1 बचे 6 बचेगा 6 में से 5 जाएगा 1 14.930 बटा 2 2 से भाग देंगे 2 × 14.24 8 यहाँ बचेगा 13 2 × 6 = 12 2 × 6 = 12 फिर 1 × 2 = 10 यानी QD बराबर आएगा 7.465। यही आपका क्या आंसर है QD = 7.465। तो फार्मूला QD = Q3 - Q1/2 फिर उसके बाद Q1 ज्ञात करेंगे Q3 ज्ञात करेंगे अंत में Q3 - Q1/2 रखेंगे जो आएगा वही चतुर्थांश विचलन होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं व्यवस्थित अंक सामग्री से। एग्जाम्पल दिया है CI क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल दिया गया 96 से 97 94 से 95 95 92 से 93 90 से 91 88 से 79 86 से 87 84 से 85 82 से 83
80 से 81 ठीक है दिया वर्ग अंतर और फ्रीक्वेंसी दिया 6 8 10 6 8 10 11 10 9 7 5 5 तो हमको जब व्यवस्थित अंक सामग्री से क्यूटी की गणना करनी होती तो दो दो कॉलम तो भले ही मिलते हैं और तीसरा सी एफ का निकाल लेते हैं क्योंकि बिना सी एफ निकाले क्यूटी की गणना नहीं की जा सकती है। सी एफ निकालेंगे अब यहाँ पर देखिए ये नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ गया, पिछला जो हम लोग एग्जाम्पल देखे थे वहां ऊपर से नीचे बढ़ता हुआ आया था, तो ऊपर से हम लोग संचयी आवृत्ति निकाल कर नीचे जोड़ते हुए आए थे, लेकिन यहाँ नीचे से ऊपर बढ़ रहा है यानी नीचे से ऊपर करते हुए जाएंगे, तो नीचे 5 के सीध में 5, 5 से फिर अगली संख्या जोड़ेंगे 5 5 10 10 7 17 17 9 26 26 10 36 36 11 47 47 10 57 57 8 65 65 6 71 इस आवृत्ति को जोड़ेंगे भी तो दस नौ सात है हाँ ठीक, अब इसको भी जोड़ेंगे 8 6 14 14 10 44 11 35 35 10 45 45 9 54 54 7 61 61 10 71 यह बराबर 71 आवृत्तियों का योग और अंतिम संचयी आवृत्ति बराबर है यानी जोड़ा सही गया है और इसका फार्मूला वही वाला है QD बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 जहां Q1 बराबर LM प्लस N by 4 माइनस CF अपॉन FM इंटू CI और Q3 बराबर है LM प्लस 3N अपॉन 4 माइनस CF अपान एफएम इनटू सीआई। अब सबसे पहले हम लोग Q1 निकालेंगे तो Q1 में अब यहाँ पहले एन अपान 4 निकालना होगा क्योंकि बिना एन अपान 4 निकाले कुछ भी निकाला नहीं जा सकता, पीछे आप लोग देख ही चुके हैं तो एन अपान 4 देखेंगे तो एन अपान 4 बराबर एन बराबर कितना दिया है 71 71 माइनस अपान 4 भाग देंगे 4 1 9 4 30 होगा 4 7 28 बचेगा 3 4 7 28 2 4 5 20 यानी यह पार स्कोर बराबर 17.75। अब यहाँ से 17.75 देखेंगे संचयी आवृत्ति में कि 17.75 कहाँ है, तो 17.75 कहाँ है 5 10 17 17 में तो मिलेगा नहीं क्योंकि 17 से बड़ा है, तो 17 से बड़ा है यानी 26 में मिलेगा। ये हो गया Q1 वाला कॉलम। अब इसी में से LM पता चलेगा LM क्या है, LM किसको कहते हैं Q1 वाले कॉलम के वर्गांतर की शुद्ध निम्नतम सीमा, Q1 वाला कॉलम यही है इसके वर्गांतर की शुद्ध निम्नतम सीमा, ये निम्नतम सीमा है शुद्ध निम्नतम सीमा ज्ञात करेंगे 10.5 घटा देंगे यानी 85.5। अब आगे CM यहां तक की आवृत्तियों का योग, अब देखिए उसमें क्या था ऊपर से हम लोग गिने थे क्योंकि ऊपर से बढ़ती हुई संख्या नीचे आई थी, यहाँ नीचे से ऊपर बढ़ती हुई जा रही है यानी यहां तक की आवृत्तियों का योग लेंगे, यहां तक की आवृत्तियों का योग 10 7 17 CM बराबर 17 और आगे FM है तो उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें Q1 है, Q1 इस कॉलम में है इसकी आवृत्ति कितनी है 9 और आगे है CI यानी वर्गांतर का विस्तार कितना है 80 से 81 80 81 2 है। अब फार्मूले में रख देंगे Q1 बराबर LM के स्थान पर कितना रखेंगे 85.5 प्लस यन अपान फोर 17.75 75 माइनस CF 17 अपान
एफएम, एफएम कितना है 9 इंटू सी आई 2 बराबर 85.5 प्लस 17.75 में से 17 घटाएंगे यानी 0.75 बटा अब तो से भाग दे दीजिए 2 चौका 8 2 पंचे 10 4.5 भाग दे देंगे 7.5 भागे 4.5 करेंगे 45 सेकंड 45 आएगा 0.3 अगर 0 बढ़ाएंगे 4 4 7 28 7 5 45 5 1 3 4 7 28 ज़्यादा हो जाएगा 6 बार मिल जाएंगे 6 5 30 30 0 8 3 4 6 24 24 3 27 फिर 30 होगा फिर 0 फिर 6 ऐसे बढ़ता जाएगा 6 बार जाता जाएगा तो 85.5 प्लस 0.167 ले लेते हैं जोड़ देंगे इसको 7 6 6.58 यही आ गया Q1 बराबर 85.667। अब Q3 बराबर क्या कर लेंगे 3 में अब इसमें सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे उसमें n अपॉन 4 पहले ज्ञात किया गया था उसी के स्थान पर यहां क्या है 3n अपॉन 4 ज्ञात कर लेंगे फिर उसके बाद cf fm और lm पता चल जाएगा 3n अपॉन 4 बराबर कितना आएगा 3 × n अपॉन 4 यहां ज्ञात किया गया था 17.75 बराबर गुणा कर दीजिए 5 × 15 15 × 5 हाथ में आए 7 × 21 21 22 हाथ में 2 7 × 21 21 2 23 23 3 हाथ में 2 1 × 3 3 2 5 53.25 3n/4 = 53.25 और LM अब यहां से देखेंगे कि Q3 वाला कॉलम कौन सा है 3n/4 से यहीं से पता चल जाएगा कि Q3 वाला कॉलम कौन सा है 3n/53.25 देखेंगे कहां मिलता है 47 से अधिक है 57 यानी 47 में तो मिलेगा नहीं तो कितने किसमें मिलेगा 57 में ये जो कॉलम बनेगा ये बनेगा Q3 का। अब यहां से ज्ञात करेंगे LM बराबर उसकी शुद्ध निम्नतम सीमा Q3 वाले कॉलम की शुद्ध निम्नतम सीमा Q3 वाले कॉलम के वर्गांतर की शुद्ध निम्नतम सीमा तो वर्गांतर ये है निम्नतम सीमा 92 और शुद्ध निम्नतम सीमा 91.5 91.5 और अभी CF ज्ञात करेंगे CF बराबर इस Q3 तक की आवृत्तियों का योग Q3 वाले कॉलम तक की आवृत्तियों का योग यहां तक की आवृत्तियों को जोड़ेंगे 5 5 7 9 10 11 इसको सबको जोड़ लेंगे इतना जोड़ने पर जितना आएगा वही होगा CF तो जोड़ें 5 5 10 7 17 17 9 17 9 26 26 10 36 36 11 47 और आगे FM इस Q3 वाले कॉलम की आवृत्ति 9 और CI वर्गांतर का विस्तार कितना है 2। अब रख देंगे Q3 बराबर LM के स्थान पर रखेंगे LM बराबर 91.5 प्लस 3n/4 यानी 53.25 माइनस CF कितना है 47 बटा FM 9 इंटू CI यानी 2 बराबर 91.5 प्लस अब 53.25 में से 47 घटाएंगे तो 6.25 बचेगा बटा या 2 से भाग दे देंगे 2 चौका 8 2 पंचे 10 4.5 LM 10 है इसकी आवृत्ति तो 2 5 10 होगा
पांचवा बराबर 91.5 प्लस 53.25 में से 47 घटाएंगे 6.25 बटा 5। अब यहाँ 5 से भाग देंगे, 5 एक 5 यहाँ जाएगा, 1 5 गुना 10, फिर उसके बाद 5 बचे 25, 1.25 यानी 91.5 प्लस 1.25 जोड़ देंगे 5 2 5 5 2 7 1 1 2 9 92.75 Q3 बराबर 92.75। अब यहाँ से QD ज्ञात कर लेंगे, QD का फार्मूला है Q3 - Q1/2, Q3 बराबर 92.75 माइनस 85.667/2 घटा लेंगे 92.75 जीरो माइनस 85.667 या 3 या बचा 14 उधार लिया जाएगा, 14 में से 6 घटाएंगे 8 यहाँ 0.12 में से 5 जाएगा 7 यहाँ 0 बराबर 7.083 भागे 2, 2 से भाग देंगे 2 3 6 यहाँ आएगा 10 हो जाएगा, 1 5 2 5 10 2 2 का 8 या 30 मान लीजिए 2 3 2 1 2 फिर आगे 2 5 10 यानी QD बराबर 3.541 ये आ गया चतुर्थांश विचलन 3.541। इस तरह व्यवस्थित अंक सामग्री में चतुर्थांश विचलन ज्ञात किया था, अव्यवस्थित अंक सामग्री में पीछे देख ही चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।